एक पुराना मामला था, जेल से जुड़ा हुआ था। जब मैं इसी मामले में यहाँ बंद था, सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर में मुलाकात मैं कर रहा था अपने मिलने वालों से, तो अचानक जेल के अंदर हंगामा हुआ। और हंगामा हुआ तो मालूम है दो गुटों में, स्थानीय गुटों में झगड़ा हुआ। ये बरसों बाद, कई बरसों के बाद, जब मैडम लवली आनंद जी विधायक का चुनाव लड़ रही थी बाढ़ से, तब अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली कि एक नॉन अवेलेबल वारंट मुझ पर निकला है। तो मैं फिर कोर्ट आया, फिर जमानत करवाया। अब अभी निकले हैं, अभी तक लंबित था। सारे लोग इसमें एक्यूटल हो गए, छूट गए, बाइज्जत बरी हो गए। मैं FIR का अभियुक्त भी नहीं था, तो मेरा मामला पेंडिंग था। उसी को आए हैं तो आज वो गवाह साक्ष्य लॉज किया गया। आज न्यायालय की तरफ से साक्ष्य बंद किया गया है। अगली तिथि 29 तारीख रखा गया है बयान हेतु। पूरा मामला ये जी कृष्ण ये हत्याकांड में उस समय ये जेल में थे। उस समय मुन्ना शुक्ला और बहुत सारे लोग थे, जिन लोगों से दो पक्ष दो गुट में जेल में मारपीट हो रही थी। तो हमारे जो क्लाइंट हैं, इनको बहुत दिनों बाद पेपर के माध्यम से जानकारी हुई कि इनको भी उस मामले में अभियुक्त बना दिया गया। ये मामला है मिठनपुरा कांड संख्या 4096 का ही मामला है। विगत और तो जी कृष्ण यात्रा कांड में विगत 16 वर्ष जेल में रहे हैं। आज इस मामले में जो है कि साक्ष्य बंद किया गया है। अगली तिथि 29 अगस्त को रखी गई है वास्ते बयान हेतु। हो सकता है क्योंकि साक्ष्य के अभाव, साक्ष्य हुआ नहीं है मामले में, वैसी स्थिति में उस दिन ये रिहा भी हो जाए। मैं मुकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।